हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पनीर भुर्जी। ये बहुत ही सिंपल सा पनीर का रेसिपी है, बहुत हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो चलिए देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो चलिए देख लेते हैं बनाना कैसे है। एक फ्राइंग पैन में हम घी गरम करने के लिए रखेंगे। मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी गरम हो जाए उसके बाद हम खड़ा जीरा ऐड करेंगे। जीरा को थोड़ा हम भून लेंगे, जैसे उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। उसके बाद हम ऐड करेंगे हींग। इसके बाद हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और उसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक एक लाइट ब्राउन कलर नहीं आ जाए। जब प्याज भून जाए उसके बाद हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और उसे तब तक हमें पकाना है जब तक उसका रॉ स्मेल चला नहीं जाए। लगभग एक दो मिनट हम पका लेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से पनीर भुर्जी का टेस्ट और एनहेंस हो जाता है। उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे कटा हुआ टमाटर और हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमें एक एक करके सारे ड्राई मसाले ऐड करना है। पहले हमने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया, फिर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड किया, फिर हमने ऐड किया धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तब तक भूनना है जब तक टमाटर पक नहीं जाए और मसालों से ऑयल थोड़ा निकल नहीं जाए। रिटर्न रेसिपी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.labrecipes.com विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए मसाला हमारा रेडी है। इसके बाद हम ऐड करेंगे क्रम्बल किया हुआ पनीर। पनीर को हमने हाथ से ही तोड़ लिया है, आप चाहे तो ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे होममेड पनीर यूज़ किया है। होममेड पनीर काफ़ी मॉइस्ट होता है, तो ये पनीर भुर्जी जो बनता है बहुत ही टेस्टी बनता है। पनीर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम मसाले के साथ। उसके बाद हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर को हमको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो ड्राई हो जाएगा। आप चाहें तो क्रीमीनेस बनाने के लिए एक दो टेबलस्पून फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। देखिए हमारा पनीर भुर्जी रेडी है। आप इसे धनिया पत्ता के साथ गार्निश कीजिए और गरम गरम रोटी नान या पराठे के साथ सर्व कीजिए। रेसिपी के आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। ऐसे और भी वीडियोस के लिए और भी रेसिपीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।